एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। टॉपिक वही है जैसे कि पिछली बार मैं पार्ट टू लेकर के आया था आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में, तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो पार्ट थ्री है और मेडिसिन वो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी तक मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं वो आयुर्वेद को लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत सी बीमारियों में अलग अलग औषधि द्रव्यों के बारे में मैं सीरीज वाइज लेकर के आप सबके बीच में वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट होगा क्यों नहीं, क्योंकि ये जो औषधियाँ हैं आप आसानी से घर पे भी आप बना सकते हैं, क्योंकि मैं जो घटक द्रव्य हैं उनके बारे में अच्छी तरह से समझा रहा हूँ और उनके बनाने की विधि और जो आवश्यक द्रव्य हैं कहाँ मिलेंगे ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है, किन बीमारियों में ये काम में आएंगे। तो उसी के क्रम में मैं जो आज का जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो भी आयुर्वेदिक औषधि पे ही आधारित है, और ये जो आयुर्वेदिक औषधि है ये बहुत ही अचूक है बहुत सी अलग अलग बीमारियों में। तो बिना देरी किए टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं दो वीडियो डी फार्मा के लिए लेकर के आ चुका हूँ, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर और डी फार्मा फाइनल ईयर दोनों के स्टूडेंट इस चीज़ों को इन औषधि द्रव्यों का इस्तेमाल करके औषधि निर्माण कर सकते हैं, और जो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा अवसर है कि आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो आसानी से आप उस पे काम करके औषधियाँ निर्माण कर सकते हैं। तो मैं आप सबके बीच में एक नई औषधि लेकर के आया हूँ। जैसे कि मैंने पहला जो पार्ट बनाया था उसमें तीन औषधियों का परिचय आपसे करा दिया था और उन औषधियों के गुण बताए थे, जैसे त्रिफला था, कुटजघन बटी थी और आरोग्यवर्धनी बटी थी, तो तीनों की निर्माण विधि, किन बीमारियों में प्रयोग करना है आपको और कैसे आप इसके घटक द्रव्यों के साथ इसको घर पे बनाएंगे, ये सारी चीजें मैंने आप सभी को बता दी थी। और जो दूसरा जो वीडियो लेकर के मैं इस पे जो दूसरा पार्ट लेकर के आया था उसमें संजीवनी बटी के बारे में बताया था, जो विषहर थी और अलग अलग ज्वर घन को खत्म करने के लिए भी वो उपयोग में ली जानी थी। उसी के क्रम में ये तीसरी वीडियो आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ कि ये भी वीडियो आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और आपको पसंद भी आएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट देना मत भूलिएगा। तो जैसा कि मैंने टॉपिक मेंशन कर दिया है और मैंने बताया है कि ये जो औषधि द्रव्य है बहुत ही अचूक है और किन किन बीमारियों में अचूक है ये मैं आपको सीरीज वाइज बताते चलूंगा। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि वीडियो इंपॉर्टेंट है तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आप सभी के बीच में मैं जो औषधि आज इंट्रोड्यूस कराने के लिए लाया हूँ उस औषधि का नाम है अभयारिष्ट। जैसे कि जो भी आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं उन्हें आशव और आरिष्ट दोनों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होगी। आयुर्वेदिक चिकित्सकों की माने और मेरा भी मानना है कि ये बवासीर के लिए सबसे अचूक औषधि है। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो अगर आपको पाचन में अगर गड़बड़ी है, पेट सही से साफ नहीं हो रहा है, तो बवासीर सही पेट साफ न होने के कारण, कब्जियत रहने के कारण आपको बवासीर होना ही है। तो बवासीर एक ऐसी बीमारी है कि अगर इलाज नहीं कराया जाए तो धीरे धीरे ये फेस्टूला या फीसर का रूप ले लेता है, जिसमें बहुत ही पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, लेटरिंग जाते समय बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो अभयारिष्ट उस बीमारी की अचूक दवा है। अगर अभयारिष्ट का प्रयोग कोई भी बवासीर पेशेंट करता है तो वो जड़ से खत्म करने की क्षमता इस औषधि में है। तो चलिए देखते हैं कि इस औषधि के और क्या क्या काम है। जैसे कि अगर इस औषधि की माने तो विभिन्न औषधियों में अगर इसका प्रयोग किया जाए, विभिन्न औषधियों के साथ इसका अगर प्रयोग करते हैं तो ये अलग अलग गुण दिखाती है। जैसे अगर इस औषधि का निर्माण करना है तो मेन जो चीज है इसको गुड़ के साथ पाक किया जाता है, गुड़ के साथ इसका किण्वन किया जाता है, तब जाकर के औषधि निर्माण होती है। ये जो औषधि है ये कब्ज में, बवासीर में और हमारी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मलमूत्र का रुकावट हो या मलमूत्र रुकावट संबंधी जो भी रोग हो उसमें यह बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। अगर बवासीर की माने तो कुछ और औषधियों का परिचय मैं आप सभी से करा दूंगा, लेकिन पहले इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो फिर टॉपिक वाइज उन चीजों को भी समझा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अभयारिष्ट को मेंशन कर दिया है। पेशेंट को आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह पर ही ये दवा आपको देनी है, लेकिन मेरा मानना है कि ये बवासीर की जो है 12 से 24 ml है
और इसको जैसे कि आपको पहले ही बता दिया गया, अनुपान किसी भी औषधि द्रव्य को या आयुर्वेदिक औषधि को लेने के लिए आपको अनुपान का प्रयोग इष्ट को आप लेंगे। तो ताजे और साफ पानी के साथ 12 से 24 ml चिकित्सक की सलाह पे आप इसको ले सकते हैं। तो जो फार्मासिस्ट है, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो इसका निर्माण कर सकते हैं। उनके लिए औषधि द्रव्य मैं बताते चल रहा हूँ, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले घटक द्रव्य में पहला जो द्रव्य है वो अभया है। अभया जिसका फल आपको प्रयोग में लेना है, ये फल जो है आपको 4800 किलोग्राम लेना है, मतलब कि 4 किलो 800 ग्राम आपको ये लेना है। और दूसरा जो द्रव्य है वो है मृद्विका, जिसका शुष्क फल आपको चाहिए 2400 किलोग्राम, 2400 किलो चाहिए। फिर विडंग है, ये भी फल है, 480 ग्राम आपको चाहिए। फिर मधुक कुसुम, मधुक कुसुम है, इसका पुष्प आपको 480 ग्राम चाहिए। जल चाहिए आपको 49.152 लीटर। क्वाथ के लिए, क्वाथ के प्रयोग में आपको जल की मात्रा इतनी ही लेनी है। गुड़ आपको 48 किलो चाहिए। ये जो आप औषधि बनाओगे बड़ी मात्रा में बनेगा। फिर आपको जैसा पता है कि आयुर्वेद में जितने भी लिक्विड सिरप वगैरह आते हैं, 700, 750 ml, 500 ml, 250 ml, इससे ज्यादा के नहीं आते हैं। तो आपको कुछ ऐसे कंटेनर लेने होंगे जिसमें आप उसको बना ले, फिर उसके बाद से आप बोतलों में पैक करके फिर आप सेल भी कर सकते हैं, प्रयोग में भी ले सकते हैं। तो उसकी मात्रा आप बताई जा रही है कि एक बड़े मात्रा में आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो गुड़ आपको चाहिए 48 किलो। श्वदंत दृष्टा जिसको गोछुर भी बोलते हैं, इसका फल चाहिए आपको 96 ग्राम। त्रिवृत्त का मूल चाहिए, जड़, मूल मतलब जड़, त्रिवृत्त आपको जड़ उसका 96 ग्राम लेना है। धान्यक, धान्यक मतलब धान फल मतलब चावल, उसका आपको लेना है 96 ग्राम। धातकी का पुष्प चाहिए आपको 96 ग्राम। इंद्रा अरुणी चाहिए आपको, इंद्र दारुणी का मूल चाहिए 96 ग्राम। और चव्य चाहिए, चव्य का कांड मतलब कि डंठल आपको 96 ग्राम लेना है। मिश्रेया इसका फल लेना आपको 96 ग्राम। सुंठी सौंठ, सुंठी मतलब सौंठ, सौंठ आपको चाहिए 96 ग्राम। सौंठ सुंठी इसका भी आपको मूल लेना है, मूल मतलब मांसल जो मूल है उसको लेना है। दंती, दंती का मूल चाहिए आपको 96 ग्राम। और मोचरस चाहिए इस निर्यास के लिए, वो 96 ग्राम चाहिए। इसको मोचरस को सालमली भी कहते हैं, मोचरस को हम सालमली भी कहते हैं। तो जो आयुर्वेद के जो स्टूडेंट हैं उनको इन औषधियों के बारे में पता होगा, अगर क्लास आप लोग अटेंड करते होंगे अच्छी तरह से, अगर पढ़ाई कर रहे होंगे तो सभी औषधि द्रव्यों के बारे में पता होगा। ये सारी औषधि द्रव्य जो है मार्केट में भी अवेलेबल है, और अगर आपने फील्ड में घूम करके औषधियों के बारे में अगर चिन्हित कराया गया होगा आपको, तो ये मार्केट, ये आप औषधियों को फील्ड में या अपने आसपास के क्षेत्रों में कुछ औषधियां आप इसको ले सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप किसी पेशेंट को बवासीर हुआ है, उसमें मस्से आ गए हैं और वो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, मस्सों में दर्द होता है, तो उसके लिए कुछ औषधि है मैं बता दे रहा हूं, जिसमें अर्शकुठार रस है, अर्शकुठार रस, बोलबद्ध रस, कामदुधा रस, सूरठ बटक रस। तो जितने भी ये आपको नाम बताए गए हैं, ये अगर बवासीर में मस्से हुए हैं और दर्द हो रहा है तो उसमें ये आप दे सकते हो पेशेंट को। फिर से एक बार सुन लीजिए, अर्शकुठार रस, बोलबद्ध रस, कामदुधा रस, सूरठ बटक, इसमें से कोई भी एक आपको पेशेंट को देना है। इसमें अच्छा लाभ करेगा ये, और पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सही हो जाएगी। तो अगर आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो में जो भी चीजें बताई गई वो अच्छी तरह से समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, और जो चीजें आपको नहीं समझ में आती कमेंट करके बताइए, तो मैं फिर नेक्स्ट जो वीडियो लेकर के आऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि इसको जो पार्ट आपको नहीं समझ में आया उसका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं कर दूंगा। मैंने अभी चैनल कुछ दिन ही हुए बनाए हुए, मुश्किल से मुझे लग रहा होगा कि 8 से 10 दिन हुए होंगे, और जैसा कि मैं व्यूज देख रहा हूँ अपने चैनल के, और जो भी लाइक सब्सक्राइब और कमेंट देख रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मैंने मेरा चैनल इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है और बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। तो कुछ कमेंट्स मुझे रानीघाट से, आगरा से, सिक्किम से, अलग अलग जगह से कमेंट्स मिले हैं, तो मैं अपने जो भी सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे इतना सराहा और इतनी सराहना मुझे दी। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को यहाँ से जो भी जानकारी मिले अच्छी मिले और आपको बेनिफिट इसका मिलता रहे।
तो कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए हैं जो मुझे ये बताते हैं कि नहीं, एलोपैथी बेस्ट है, आयुर्वेद बेस्ट नहीं है। तो जिन्हें अगर लगता है कि एलोपैथी बेस्ट है, उनके लिए बस एक ही बात कहना चाहूंगा, आप बस एलोपैथी में कोई ऐसी एक दवा लेकर के बता दीजिए या एक दवा का नाम बताइए जो अलग अलग बीमारियों में काम करे और उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। किसी भी डॉक्टर से या किसी भी चिकित्सक से जो एलोपैथी का जानकार हो, आप उससे पूछ करके आइए कि एलोपैथी में कोई भी ऐसी आप दवा बताइए जिसका साइड इफेक्ट ना हो और एक दवा कई सारी बीमारियों में प्रयोग में ली जा सकती है। आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा। और मैं यहाँ पे एलोपैथी को नीचा दिखाने नहीं आया हूँ या मैं आयुर्वेद को बहुत बढ़ा करके बताने नहीं आया हूँ। जो चीजें सही है उसी को मैं बस यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन अगर आप कमेंट करते हो कि नहीं, यहाँ पे आयुर्वेद से मैंने पेशेंट को देखा है कि उनके लीवर में गड़बड़ी हो गई, तो मैंने ये भी सुना है कि किसी पेशेंट को 90% किडनी खराब हो चुकी थी, 90% किसी की किडनी खराब थी, लीवर खराब हो गया था, एलोपैथी ने कहा कि मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा और उस केस को आयुर्वेद ने लिया और उसने ट्रीट करके अच्छी तरह से उसको सही करके दिखाया। तो ये भी एग्जाम्पल है। अगर आप एक एग्जाम्पल लेकर के आओगे तो हजारों एग्जाम्पल आयुर्वेद में पड़े हुए हैं। और अभी तक का मेरा जितना भी आयुर्वेद पे जो भी सीरीज आपके बीच में आई है, जितने भी मेडिसिन के पार्ट आए हैं, आप ध्यान से देखिएगा, आपको कोई भी ऐसी दवा, अकेली एक ऐसी दवा नहीं मिली होगी जो कि एक बीमारी में ही बस काम में आए। जितनी भी मैंने औषधियां बताई हैं उसकी कई सारी बीमारियों में उसका प्रयोग है। तो अब इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको क्या चाहिए? अगर आपको और ज्यादा जानना है तो आप हमसे जुड़े रहिए, आपको डेली कुछ ना कुछ आयुर्वेद की औषधियों के बारे में जानने को मिलेगा। तो मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथी खराब है, एलोपैथी से दवा मत कराइए, लेकिन एलोपैथी अपनी जगह पे ठीक है और आयुर्वेद भी अपनी जगह पे ठीक है। तो आपने कमेंट किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कमेंट में मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि किसने कमेंट किया था, आप कमेंट करते रहिए, आपको आंसर मिलता रहेगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर चैनल ग्रोथ करता है तो आप सभी का इसमें बहुत बहुत योगदान रहेगा और आप हमसे जुड़े हैं तो बेनिफिट आपको होगा ही। तो इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको जो भी अपडेट मेरे द्वारा दी जा रही है वो डेली आपको मिलती रहे।